सबसे पहले इस गांव की सरदारी को, बाहर से आए जितने भी सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी बहन भी यहाँ पधारी हैं, आपके चरणों में आपके बेटे आपके भाई हरस छिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। जैसे कि हमारे को पता लगा उनकी इस गांव के अंदर शादी हो रखी है, ये भाई साहब देखिए आप नहीं बताते तब भी हम शब्दों का पूरा ख्याल रखेंगे। दूसरी बात यह है, बात करते हैं मुद्दे की, सीएम खट्टर साहब के जो ओएसडी साहब हैं फोगाट साहब, उनके पास इस रोना गांव की पंचायत भी गई है, उन्होंने हाथ पैर भी जोड़े हैं, माफी भी मांगी है। और अकेले इस गांव की नहीं, ये जो 10-12 जितने भी बच्चे हैं इन सब की पंचायतें बार बार गई हैं, स्कूल में भी गई है, उसके घर में भी गई है, दोनों जगह जाकर एक टांग पकड़े होकर कति हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांगी। जब आप लोगों को इकट्ठा करने की नौबत आई है, उससे दूसरा एसपी साहब से भी मिले हैं, डीसी साहब से भी मिले हैं, पत्रकारों से भी मिले हैं, ऐसी कोई जगह इन परिवारों ने नहीं छोड़ी जहां ये नहीं गई। एक काम धंधा करने वाला आदमी अपने बच्चों के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, ये जाके कहां न्याय मांगे? अखबार में इनके खिलाफ खबर निकलती है, पत्रकार इनके खिलाफ दिखाते हैं। एक देखो, पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है, पुलिस प्रशासन ने अच्छे तरीके से इनको ट्रीट किया है, अच्छे तरीके से इनकी बातें सुनी है, साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा मजबूर हां, क्योंकि वो ऐसी कुर्सी पर बैठा है, ऐसे ऐसे बड़े अधिकारियों का फोन करवाता है, ये रिपोर्ट लिखना और ये कार्रवाई करना हमारी मजबूरी है, पता हमें भी है ये अन्याय हो रहा है। रही स्कूल की बात, जीडी गोइंग का जो स्कूल है, स्कूल में जो वहां के स्कूल के संचालक हैं, उनका परिवार है, उन सब पर भी न केस लगा रखे हैं, वो इनका के मामला है के नहीं उसने वे निपटाओगे। हम बात करते हैं मारे बच्चा की, एक हुआ लिस्ट होगी, एक बदी होगा फाइल, बिना एविडेंस के बिना प्रूफा के ना तो को बात रखते। माफी चाहूंगा, एक मिनट लगेगी मने। इस केस के अंदर जो 10 बच्चे हैं, इनमें पहले 9 बच्चे थे, आप लोगों को बता दूं जो सबसे पहला लड़का है जिसका केस लग रहा, इसका नाम है दीपांशु, उसके परिवार के भी यहां मौजूद होंगे। यो लड़का खाली छुटवान में था और छुटवाओ भी उस फोगाट के छोरे नहीं था, इसका केस लगवा दिया। या चीज आप अपनी आंखों से वीडियो में देख सकते हो, कोई पत्रकार साथी आ रहे हो सबूत के साथ उनको दिखाऊंगा। इसके बाद है तीसरे नंबर पर देव गांधी, जो खाली वीडियो में खड़ा था, उस पर केस लगवा दिया। फोगाट साहब के लड़के ने कहा मने यो छोरा पसंद नहीं है, इस बात पर केस लग गया। इसके बाद है ईशान चौटली, यो छोरा था ही नहीं, ना कि तो वीडियो में ना रोड़े में ना आगे ना पीछे, इस पर भी केस लगवा दिया। एक है विश्वेंद्र ढुल, जिनकी माता जी यहां बैठी है, इनका तो कोई रोल नहीं था, इनका तो नाम में पीछे हट गया है, यानी कि यो केस से बाहर था, इनको तो दोबारा केस के अंदर डाला गया है। मेरे हाथ में एविडेंस, आप लोग चेक कर सकते हो, इस गांव की पंचायत के बीच में मैं रख जाऊंगा। इनकी लड़ाई तो, इनकी जो एफआईआर हो रही या तो हो रही है 2022 के पांचवें महीने की, पांचवें में होगी ना भाई साहब, इसके अंदर आप इसको खोल के देख लेना। उसके लड़के ने जिसका नाम आर्यन है, 2021 में जब इसके पिताजी को पद मिल गया, पद मिलते रोड़ा कर दिया था, जब भी मारे थे लड़किया के, अरे जिस टाइम मारे स्कूल से बाहर निकाल दिया था, ये सबूत है इसके अंदर। उसके बाद दोबारा फिर 2021 के अंदर ही उस लड़के ने सीसीटीवी पाड़े स्कूल के, स्कूल वाले ने 4 दिन तक फिर बाहर निकाल लिया,
वे भी सबूत हैं। इसका पिताजी स्कूल में आके कहता है मैं राजा हूं और ये राजा का बेटा है और मारा खून गर्म, हमारा बालक नहीं करेगा और कौन करेगा। एक बात बताओ, क्या आप अपने बच्चों को स्कूल में मरने के लिए भेजते हो? अपने घर से कोई एक सिंगल पिता या माता मेरे को ये बता दो, कोई ये कह के भेजता हो जा बेटा जाके इतना लड़ना है भिड़ना है? बच्चों के अंदर छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, ये आम सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसका लड़का सबका खोए मारता चल रहा, सबकी गल लड़ता चल रहा है, उसका पिता स्कूल मार्क है, ऐसी बुरी बदतमीजी से बातें करता है, वहां माताएं बहने टीचर कोई भी खड़ी हो बिना गाड़ी के तो वो इंसान बात नहीं करता। इस चीज के भी सबूत है, वीडियो है, आप लोगों को दे के जाऊंगा। दूसरी बात ये है, हमारे बीच में एक देखो भाई सीआईडी वाला बैठा हो, पत्रकार बैठा हो, गौर से सुनना भाई। देखो हम दुखिया है, दुखी हो रहे हैं, ना तो उसने दुखी करना चाहते ना हमने उसके जीवन तो कोई मतलब है, हमने चाहिए हमारे बड़का का न्याय। वो न्याय मांगण थी आजाद इकट्ठे हो रहे हैं, फैसला करेंगे हमारे बुजुर्ग, जो बुजुर्ग का आदेश होगा हम कराएंगे उसका पालन। रही बात फोगाट साहब की, मेरी यह बात खट्टर साहब तक जरूर पहुंचाना, उसकी भाई डिटेल काट के देख लो, जो दूसरे आदमी आप फर्जी झूठे केस लगवान लग रहा ना, उन्होंने स्कूल वालों पर यह भी दबाव बनाया है, अरस्ट छिकारा पर केस लगवा दो, थारे स्कूल के बरमानस लेकर आया था, अगली कार्रवाई मेरी है, मैं देखूंगा। मैं यार माता पिता बैठे इनके बालक तू डबल लाग रही, नकड़े लेके जाऊं भाई, और सीजन लेके जाऊं न्याय मांगती। इन सोशल मीडिया पर उसकी यह बात फैलन लगी, उसका जो पाप का भांडा फूटन लग गया, इब उसने इस बात का तो खोरिया कि यह बात निमटे के ऊपर। आप लोग का तौर बता दू, ये इसका है लोक विभाग, लोकतंत्र विभाग, कलाकारी वाला विभाग, साथ में ये ओएसडी भी बना रखा है या इसको पावर दे रखी है, जो इसका विभाग है उसके अंदर देखो काम बैठा, मेरी बात का बुरा मत मानना, इसकी जो साड़ी है वो कलाकारी लाइन से नहीं है, उसके खाते में पैसे आते हैं चेक करो, इसका भांजा है उसके खाते में सरकार की तरफ से पैसे आते हैं, यानी कि रोज तक के जितने कलाकार है सारे का आके एक लाख खान लाग रहा है। शापले का लड़का इसका पीए है, उसके खाते से लेन देन करता, अगर सरकार के अंदर हिम्मत हो थरानाश करने लाग रहा, अपने आप चेक कर लो, सबूत मैं दूंगा, बताने मैं लाग रहा हूं, झूठे प्रोग्राम कराऊंगा जानकार आगे स्कूल में, सरकार द्वारा बिल भेज दे बना के 10 लाख रुपये प्रोग्राम में खर्चा हो गया, घर का स्कूल घर का प्रोग्राम सारे रुपया अपने आप खा जा है, वो उसका निजी जीवन है, हमने तो कदे आंगली ना खाई, लेकिन हमारे बच्चे इतने सुने नहीं है भाई। आप राजा हो अपने घर के हो गए, आप राजा हो अपनी सरकार के हो गए, मारे पर राजा थोड़ी हो, और चलो मारे पर भी राजा हो तो इसका मतलब इतने सुने मारे बालक ना है कोई मार जाएगा ना, हमारे अंदर कोई बदलेगी भावना है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग का अपमान कर रहा क्या बार बार उसके बाहर गए, ये अरेस्ट छिकारा नहीं, इनके परिवार कह रहे हैं गाली दिए बिना एक भी परिवार से उस इंसान ने बात नहीं करी। दूसरी बात ये कहता है मैं तो एफिडेविट देने को तैयार हूं, देगा कद भाई, 4 महीने हाथ पात नजर डुबा लिए, धक्के खवा लिए, बेइज्जती कर दी, स्कूल में आके एक बार के लटूर पाट गए न्यू पकड़ कर मैच पर धर दिया प्रिंसिपल के श्यामी, न्यू बनाई इसने मेरी आख्या के ले जाओ, इसे इसे मन पसंद नहीं है, और मेरे बच्चे ने इन तक खतरा है एक भी मगर स्कूल में नहीं आना चाहिए। एक बात बताओ, उसका बच्चा ऐसा क्यों हो गया, वो सब गल खगता चल और उससे के बच्चे ने खतरा, वे राजा वे शिकायत करें वे मारे वे रिपोर्ट करें, एक तरफा अन्याय कर रहा है। मैं इस मेरे बुजुर्ग से सिर्फ इतना कहना चाहूं, इसका कोई ना कोई ठोस फैसला निकाल लो, और हमारी छोटी सी मांग है, ज्यादा बड़ी नहीं है, ये मांग मेरी नहीं इन परिवार की तरफ से है, वे मांग मैं आप लोगों को बता दूं, जो सबसे पहली मांग है, हमारे बड़े बुजुर्ग का अपमान कर रहा क्या धरती के,
पैरा में पगड़ी देकर नाक रगड़ा था। अरे बेटे माफ कर दे, मत जिंदगी बिगाड़े इन बालका की, अरे मत जिंदगी बिगाड़े, इन माफी नहीं दी, नई पगड़ी ठाक लिगड़ जाड़े थे। या तमीज है 70 साल के बुजुर्ग से बात करने की, कितना एक बड़ा घमंड हो गया उसके अंदर इस पद का। हमारी सबसे पहली मांग है जो बुजुर्ग का अपमान कराया है पंचायत के बीच मांग है, मारे बुजुर्ग तो माफी मांगे, मारे तो नहीं, हम तो आपके बालक सा, हमारा काम था आवाज को उठाना, हमारा काम था आपकी